पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह ने कहा, आज पूर्व प्रधानमंत्री की 80वीं जयंती है। उन्हें कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है। सबसे पहले देश में कंप्यूटर मोबाइल की शुरुआत के साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया था। इस अवसर पर विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवन काल पर चर्चा करते हुए उनके द्वारा देश हित में किए गए योगदान पर प्रकाश डाला। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 80वीं जयंती है। राजीव गांधी जी ने देश की पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगदान दिया। महिलाओं के स्थानीय चुनावों में जो आरक्षण की व्यवस्था राजीव गांधी जी ने की, युवाओं को 18 वर्ष का मताधिकार दिया, उसके लिए पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञ है। मैं अपने सभी देशवासियों से, सभी नौजवान साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आइए राजीव गांधी जी के द्वारा दिए गए पंचायत राज की व्यवस्था, महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था, नौजवानों को मताधिकार देने का विशेष व्यवस्था की नमन करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चले। देश की उन्नति और युवाओं का विकास तभी संभव है वास्तव में हम राजीव गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चले। राजीव गांधी की जन्मतिथि मना रहे हैं और ये यही नहीं, हमारे पूरे देश में राजीव गांधी जी की जन्मतिथि मनाई जा रही है। राजीव गांधी जी आधुनिक युग के निर्माता थे और राजीव गांधी जी ने देश को गांव से पंचायत जो थी, जिस समय गांव शहर से नहीं जुड़े हुए थे, उससे जोड़ने का काम किया और कंप्यूटर की क्रांति और ये जो तमाम आज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चल रही है और ये सब चीजें चल रही है, तकनीकी युग जो आया है, सही मायने में जब राजीव गांधी कंप्यूटर युग लाए तभी से शुरू हुआ और उससे एक बार चौगुना विकास इस देश के अंदर हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।